जैसे निकल आया घटा से चांद। सॉरी दोस्तों, मैं अपने धुन में मस्त मगन था और ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू भी हो गया और हमें पता भी ना चला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं टेक्निकल टैक। आज है मेरे पास मोटो G5 प्लस और आज हम करेंगे इस फोन की कैमरा रिव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, करंटली ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो इस फोन की 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा से शूट कर रहा हूँ, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फोन की सेकेंडरी कैमरा की क्वालिटी कैसी है। और दोस्तों, इस फोन से अभी मैं जो भी पिक्चर क्लिक करने वाला हूँ उस सभी पिक्चर का जो डाउनलोड लिंक होगा वो मैं डायरेक्टली आपके साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस फोन से खींची हुई सारी फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि एग्जैक्टली इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है आपको पता चल जाए। करंटली अभी मैं पेड़ों की छांव में बैठा हूँ, तो चलिए कुछ धूप की सैर कर लेते हैं। ऐसे भी आज का दिन बहुत ही शाइनी है और बहुत ही गर्मी है बेंगलोर पे, और माफ़ी चाहूँगा बहुत शोर शराबा हो रही है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं करंटली मैं रोड की साइड में एक पार्क है वहाँ पर बैठा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी वगैरह जा रही है, प्लस ट्रैफिक पुलिस है, किसी का पैसा खा रही है, बस लगे हुए हैं सभी अपने अपने काम में, तो उनको छोड़िए, इसीलिए थोड़ी साउंड में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा धूप की ओर, देखते हैं इन सनशाइन इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर इस फोन से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सके। रंग दे तुम है गेरुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं हूँ फुल्ली सनशाइन पे चमचमाती हुई धूप की गर्मी में, और आप देख सकते हैं इस फोन की कैमरा क्वालिटी अभी कैसी है। दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इस फोन की फ्रंट फेसिंग कैमरा काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा बजट फोन जिसकी फ्रंट फेसिंग कैमरा अच्छी हो, जिससे आप फ्रंट फेसिंग कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, तो ये फ़ोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगी। तो अब मैं स्विच कर रहा हूँ इस फोन की प्राइमरी कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल कैमरा है, और कहा जा रहा है ये जो 12 मेगापिक्सल कैमरा है इस फोन की सबसे बेहतरीन फीचर में से एक है। तो चलिए देख लेते हैं इस फोन की प्राइमरी कैमरा की पिक्चर क्वालिटी कैसी है। दोस्तों आप जो ये वाली इमेज देख पा रहे हैं ये मैंने कैप्चर किया है मोटो G5 प्लस की 12 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा एट वेल लाइट कंडीशंस इन नॉर्मल मोड, और ये वाली इमेज जो आप देख रहे हैं ये क्लिक किया गया है इन HDR मोड। ये सभी इमेजेस हमने क्लिक किया है इन वेल लाइट कंडीशंस इन बोथ नॉर्मल एज वेल एज इन HDR मोड। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि हमने इमेजेस एट ऑल पॉसिबल कंडीशंस पे क्लिक किया है इन नॉर्मल लाइट कंडीशंस एज वेल एज वेल लाइट conditions with flash, without flash and many more। जैसे कि आप देख सकते हैं इन वेल लाइट कंडीशंस पिक्चर काफी क्लियर आ रही है विथ लॉट्स ऑफ डिटेलिंग। रियली द 12 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा इज डूइंग अ डिसेंट जॉब। One of the best click from Moto G5 Plus and you can see how beautiful the image is। और सेम पिक्चर हमने HDR मोड में भी क्लिक किया है, और अगर आप मेरी बात माने तो इन HDR मोड पिक्चर और भी खिलकर उभरती है। और ये है इस इमेज का साइड बाय साइड कंपैरिजन। लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज जो आप देख पा रहे हैं ये क्लिक किया गया है इन नॉर्मल मोड, और सेम जो राइट हैंड साइड वाली इमेज आप देख रहे हैं ये क्लिक किया गया है इन HDR मोड। This is the another beautiful click from 12 megapixel primary camera, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फोन की प्राइमरी कैमरा की क्वालिटी कैसी है। और सेम इमेज हमने क्लिक किया है इन HDR मोड 2, और ये है साइड बाय साइड कंपैरिजन। रियली गाइज द 12 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा इज डूइंग अ डिसेंट जॉब, और ये काबिले तारीफ है।
साइड वाली इमेज जो आप देख पा रहे हैं ये क्लिक किया गया है इन नॉर्मल मोड एट वेल लाइट कंडीशंस, और आप जो राइट हैंड साइड वाली इमेज देख पा रहे हैं ये क्लिक किया गया है इन HDR मोड। गाइस होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन एंड लेट अस नो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये वाली इमेज कैप्चर की गई है इन द इवनिंग तकरीबन 5 बजे के आसपास एट मीडियम लाइट कंडीशंस इन नॉर्मल मोड, और सेम इमेजेस हमने कैप्चर किया है इन HDR मोड 2। दोस्तों जहां कुछ एडवांटेजेस होती है वहीं डिसएडवांटेजेस भी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं फार डिस्टेंस वाली इमेज में आपको उतनी क्लियरिटी एंड डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती। इन द सेम टाइम अगर आप इमेज कैप्चर करते हैं विद लो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये सभी इमेजेस जो आप देख पा रहे हैं ये क्लिक किया गया है एट फुल डार्क कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ फ्लैश, और विद फ्लैश इमेज की क्वालिटी एवरेज है। वैसे भी बजट ओरिएंटेड फोन की बात करें तो उससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दोस्तों आप भी ये फोन खरीद सकते हैं एट बेटर प्राइस, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर मेंशन कर दिया है। अगर आपको ये फोन लेना ही है तो प्लीज परचेज फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो, इससे हमारे चैनल को बेनिफिट होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस और रिव्यूज हम लेकर आते रहेंगे। ये वाली वीडियो आप जो देख पा रहे हैं ये मैंने कैप्चर किया है इन द इवनिंग अराउंड 5 o'clock इन फुल HD एट 1080 pixel। इस फोन की खास बात ये है कि ये फोन अप टू 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और इसी के साथ साथ स्लो मोशन वीडियो भी। दोस्तों तो फिर हम आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टेक को ठीक यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले YouTube पे देख सकते हैं। ऐसा करता हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो पे जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।